600 करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है आसिफ जरदारी का, ये कौम पूछना चाहती है कि ये पैसा किधर से आपने कमाया, क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे? दुनिया के अंदर जब एक गवर्नमेंट फेल होती है इलेक्शन पे जाते हैं। हमने तहरीके इंसाफ ने तो जिस दिन NRO को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, हमने तब से शुरू डिमांड किया है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। वो वक्त ने वही चीज साबित कर दी। साथ जो सलूक किया हुकूमत ने उसका नतीजा भुगत लिया। यूसुफ रजा गिलानी एक सजा याफ्ता वजीर आजम है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, किस्सा पारीना, अगले वजीर आजम के चुनाव के लिए सियासी जोड़ तोड़, सलाह मशवरे और राबते एज वी स्पीक अरूज पर हैं। जमीनी हकायक में से एक हकीकत यह भी है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की हकूमत का पीछा करप्शन के इल्जाम ने ना छोड़ा, मगर जो नाम नए वजीर आजम के लिए सामने आ रहे हैं ये इल्जाम इनके साथ भी मुंसलिक हैं। तो फिर सवाल है कि क्या ऐसे मुमकिन वजीर आजम को रियासती कुवतें मानेंगी और खसूसन इसके बनाए गए निगरान सेटअप को शर्फ कबूलियत मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में इन दिनों एक ऐसे निगरान सेटअप की क्या सराई जारी है कि ये निगरान सेटअप आईनी रियासती इदारों के जरिए वजूद में आएगा और इंतखाबात कबूल कर 2-2.5 साल के अरसे में रियासत की इकोनॉमी से लेकर करप्शन के खात्मे के लिए काम करेगा। लेकिन लगता यह है कि इस क्या सराई की भिनक सियासी क्यादत को भी पड़ चुकी है। सो इस तरह के किसी भी तजर्बे से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए सियासतदान अभी फुल अलर्ट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का वक्त मौलाना फजल रहमान से मिल चुका है और MQM से मिलेगा। सरदार मेहताब अब्बासी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, मगर मुस्लिम लीग नून का हदफ निगरान सेटअप जो है उसके ऊपर फोकस है। पीपल्स पार्टी इस बार एहतियात से काम लेते हुए महाजराई से गुरेज कर रही है। जरा गौर कीजिए, मुस्लिम लीग नून का निगरान सेटअप पर फोकस और पीपल्स पार्टी का मोहतात रवैया क्या ये बता रहा है कि हालात एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या मुल्क की सियासी क्यादत इस इम्तिहान की घड़ी से कामयाब होकर निकलेगी या फिर कोई नापसंदीदा फैसला हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक और आपको बताएंगे कि मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर क्या हालात हैं, अवाम क्या चाह रही है और बड़े बड़े ऐवानों में क्या फैसले हो रहे हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं उनके शरायत नामे बकौल उनके तो तैयार हो चुके हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या अंदर की कहानी कुछ और है? MQM की शर्त है कि इदारों का एहतराम होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने ये कहा है कि पहले भी हमारे तहफ्फुज़ात थे और हमारी बातें जो थी पूरी नहीं हुई और अब भी लोड शेडिंग की भी एक शर्त रखी गई है। जो नए वजीर आजम से इसके इस हवाले से मीटिंग होएगी तो आगे बढ़ा जाएगा और वोटिंग तक पहुँचेंगे। मगर ANP का ये कहना है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है पीपल्स पार्टी को इररिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर दे चूज टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सवाल यही उठता है कि अब तो नून लीग भी पेश और एक्टिव हो गई है, उसके राबते भी शुरू हो गए, JUIF से भी कर लिए, MQM से भी मुलाकात है। चौधरी शुजात का भी कहना है कि नून लीग ने उन्हें अप्रोच नहीं किया, मगर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको भी अप्रोच करने वाले हैं। ऑल दिस फॉर वॉट, यही जानने की कोशिश करेंगे, केयर टेकर सेटअप के लिए ही है या वाकई जो डिमांड मुस्लिम लीग नून और बाहर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ कर रहे हैं नए इलेक्शंस का, डू दे स्टैंड फर्म ऑन दैट? हमारे साथ मौजूद है मेरीना नुराजा साहिबा, सीनियर लीडर हैं, पीपल्स पार्टी की MNA हैं, हमारा साथ दे रहे हैं हाजी अदील साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ANP के, हमारे साथ तारिक अजीम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और तहरीक इंसाफ की लीडर अंदलीप अब्बास साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, आप ही से आगाज करती हूँ, पहले तो ये बताइए ये अनकंडीशनल सपोर्ट की बात हुई है अंदर बैठ के, क्योंकि अब तो बाहर आके और क्लेम्स किए जा रहे हैं। शुक्रिया, मेरी अपनी गुनाहगार आंखों ने जो देखा और जो मेरे कानों ने सुना जब हम इत्तेहादियों की मीटिंग हुई थी, सब ने ये कहा कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का हक है कि वो अपनी मर्जी का अपनी पार्टी से कोई वजीर आजम मुंतखब करे, नया वजीर आजम, और कोई कंडीशन नहीं है। और इस बात की इब्तदा जो थी जनाब चौधरी साहब ने की, मैंने उनको इंडोर्स किया, मैंने कहा हम कंडीशनल है। बाद में जितने साथी थे सब ने कहा, किसी ने कंडीशन देखे। अब जो आप फरमा रही हैं कि उन्होंने ये कहा है, जहाँ तक नए वजीर आजम के इंतखाब का और उसको वोट देने का ताल्लुक है, ये अनकंडीशनल है। उसके बाद जब नया वजीर आजम बनेगा तो फिर हम उससे डिमांड करेंगे कि जी बिजली का मसला हल करो,
या हमारे नेट आइडल प्रॉफिट का मसला है या किसी का कुछ मसला है, लेकिन जब नई कैबिनेट आएगी, नया वजीर आजम बनेगा, जहां तक मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि नए वजीर आजम के इंतखाब और पीपल पार्टी को ये कहना के सब इत्तेहादियों का कि आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टी में से एक वजीर आजम मुंतखब कर लें, नामजद कर लें, हम उनको वोट देंगे, ये अनकंडीशनल कल भी था और आज भी और कल भी होगा। तारिक साहब, ये क्यों इस तरह की फिर खबरें आ रही है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ रही है, क्योंकि अवाम अभी बिफरी हुए है, गुस्से में है, अवाम चाहती है कि उसकी उमंगों की तर्जुमानी हो, क्या इसीलिए ये बातें सामने आ रही है? MQM कुछ कह रही है, काफ लीग कुछ कह रही है, हाजी साहब ऑन रेकॉर्ड होकर अनकंडीशनल होने की बात कर रहे हैं। मैं उन तमाम पार्टियों की जानब से जो कि हमारी इत्तेहादी हैं, जो पीपल पार्टी के इत्तेहादी हैं, हमारे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम भी पीपल पार्टी के इत्तेहादी हैं, MQM भी है, फाटा का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैदी, इसराउल्ला जैदी, इन सब ने को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल पार्टी सदर जरदारी साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है कि आप, ये आपका हक बनता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का हक बनता है कि वो अपना वजीर आजम नामजद करें और हम उनके सपोर्ट करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है। जहां तक मैंने जो देखा, जो मैंने एक सेकंड फिर इनकी बात से तारिक साहब, ये भी इस चीज का भी जवाब दे दीजिए, एक तो पब्लिक कंसम्पशन, दूसरी बात मियां साहब कहते हैं कि इस पूरे बहरान में और इस इधर पहुंचाने में कोएलिशन पार्टनर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं, करारदादे भी पेश हुई वजीर आजम के हक में, स्पीकर के रूलिंग के ऊपर भी करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है, सो देर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैबिनेट की, जो कैबिनेट के मेंबर है उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय लॉ बन जाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत। बाकी जो है तो जो इस वक्त 18-20 घंटे अगर लोड शेडिंग हो रही है, अगर आवाम तंग आए हुए हैं, अगर करप्शन है, अगर रोटी कपड़ा मकान गैस बिजली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, और इत्तेहादी ये कहें जी कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमने हाथ खड़े कर दिए, ये सारे का सारा कसूर पीपल पार्टी का, तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी के साथ ज्यादती होगी। जो भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी बैठी हुई हैं, उनके साथ स्कॉट्स भी हैं, सब कुछ है, घर भी मिले हुए हैं, तो ये सारे का सारा कह के एंजॉय करके बाद में आप कहें जी हमारा कोई कसूर नहीं था, सिर्फ पीपल पार्टी का था, नहीं। ये जब लोगों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, इलेक्शन जब होगा तो इनको भी उतना ही कसूरवार ठहराया जाएगा। अगर अच्छा नए काम को कर जाते हैं अगले 4-6 माह में तो इनका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। वजीर आजम का जो गुनाह है जिसकी वजह से कन्विक्शन और फिर अल्टीमेटली ना अहली हुई है, उसमें भी इन सबका हाथ है, क्योंकि उनको तो पंप अप किया है इन सब ने मिलकर करारदाद उनके हक में। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो इनको जो गलत राय दी गई 26 अप्रैल का, जो उस वक्त उनका फैसला जो था, उस वक्त अपील करनी चाहिए थी, इन्होंने अपील नहीं की, जिसकी वजह से दे लॉस्ट वन। एटलीस्ट मेरे साथ बहुत सीनियर वकील बैठी हुई है, एक बड़ा अच्छा मौका था जिसपे जाके कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकती थी, वो भी इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। मैं तो जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, जिम्मेदारी बिल्कुल पेश करना यही है ना कि हम डॉस करते हैं आपके इल्जाम। उसमें बार बार जो उनसे कहा गया जी कि शेर बनो खड़े हो जाओ उनके सामने, सब नेचुरली फिर उन्होंने तो वही करना था। देखे अब जो असली प्रॉब्लम है हमारे लिए वो देखना यह है कि ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है। जो मैं बात करना चाहता हूं, असली प्रॉब्लम जो है जिसके लिए किया जा रहा है वो तो सदर जरदारी साहब हैं, उनको बचाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। इसलिए जो भी इस खेल में जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा, जो खेल अच्छा खेल सके, उनको सेव करने के लिए। अच्छा, जो खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं महरीन साहिबा, कुछ इल्जाम उनसे भी मुंसलिक हैं, तारिक साहब शायद अभी बताएंगे, मगर उससे पहले उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को तहफ्फुज़ फराम करने की बात है। आप फिर चाहे मुख्तार साहब आए, मखदूम शहाबुद्दीन साहब आए, हिना साहब आए, कोई भी आए जो अभी नाम इंटरटेन हो रहे हैं, इनमें से क्या आप अपनी पॉलिसी तब्दील करेंगे? अभी भी सदर आसिफ अली जरदारी को तहफ्फुज़ फराम करना अवलीन तरजीह है आपकी जमात की, या अब इस फैसले को मानते हुए आप ये भी तस्लीम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसकी वजह से ना अहली अल्टीमेटली हुई है उसको भी मानेंगे, खत भी लिखा जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, अब अपनी सिम दुरुस्त कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो वक्त बताएगा सिम किसने दुरुस्त करनी है, और ये भी वक्त बताएगा क्या हमारी सिम दुरुस्त थी या नहीं थी। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे इल्ज़ाम क्या हैं इसको देखिए, क्या उन्होंने कोई डाका मारा, चोरी की, किसी का कत्ल किया? आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आइन आपने बनाया 18वीं तरमीम के बाद, जो आपने आर्टिकल्स में पावर्स दिए, क्या वो उनके खिलाफ गए हैं? क्या उन्होंने आइन में कोई ऐसी, इसका फैसला आपने तो नहीं करना ना बीबी? मेहर बात यह है कि इसका फैसला कौन करेगा और इसका फैसला
सही तशरीह क्या होगी इसको भी देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में कह दिया है कि तशरीह का हक और हक हमारे पास है, शॉर्ट ऑर्डर पड़ा है आपने? बात यह है कि ये शॉर्ट ऑर्डर्स की जो कहानी है ना, मैं बड़ी इज्जत और बड़ी तहरीम और बड़ी उससे कहूंगी कि ये शॉर्ट ऑर्डर्स की जो कहानी है ना, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। आसमा जिलानी केस था और बहुत देर के बाद फैसला आया, मगर भरपूर और कंप्लीट फैसला आया। देखिए 26 तारीख को शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर में एक बात कर देते और इतना इबहाम ना होता। 7 जजेस का एक फैसला आया, कल परसों एक 3 जजेस का फैसला आया। क्या आप 7 बेंच का फैसला माना जाएगा या 3 बेंच का माना जाएगा? फैसला कबूल तो कर चुके हैं ना, बिल्कुल कर चुके हैं, कर चुके हैं। और सदर का ये भी कहना है कि अवाम की तरफ फिर जाएंगे, अवाम से जानेंगे क्या दुरुस्त है। मोहतरमा मेहर साहिबा, इसलिए फैसला कबूल कर चुके हैं हम, अवाम हम इदारों की बालादस्ती चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन रहे। यही खामोश हो जाए फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि कबूल भी कर रहे हैं मगर सही भी नहीं किया? जनाब अली भुट्टो साहब को फांसी लग गई, हमने इसी इंस्टीट्यूशन का फैसला माना और आज वक्त बता रहा है कि उनको गलत फांसी लगी। साहब कह रही है 70 और एक सवाल, छोटा सा सवाल, 70 की दिहाई से लेके अब तक अदलिया का किरदार तब्दील नहीं हुआ? देखिए 70 से लेके अब तक अदलिया का किरदार तब्दील भी हुआ, अच्छा भी रहा। जजेस ने पीसीओ पे ओथ भी उठाए, जुडिशरी ने आमिर को 3 साल यहीं पे जजेस बैठे हुए 3 साल दी। मैं नहीं सवाल पूछती, कौन सवाल पूछती है कि इन्हीं जजेस ने 3 साल जनरल परवेज मुशर्रफ को, जो एक आमिर था जिसने कहा आर्टिकल 244 पे कि मैं कसम खाता हूं कि सियासत में नहीं आऊंगा, उसको 3 साल क्यों दिए कि आप आइन में तब्दीली लेके आए? और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम जिसने 18वीं तरमीम करते हुए आइन को उसका सही रूप दिया, आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमने सारे आंखों पर लिया। आज वजीर आजम जा रहे हैं, दूसरे वजीर आजम आ जाएंगे। मेहर इंसाफ, यानी कि आपको रियासत के 3 सतूनों में से, 3 अहम सतूनों में से एक सतून जो है वो ओवर एक्टिव नजर आ रहा है। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगी इस सतून के लिए मैंने मेहर, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, मैंने इस सतून के लिए जिद्दोजहद भी की। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम वकील हूँ, मैं एक आम, उसके बाद मैं सवाल ओके ओके आपने मगर इंसाफ मैं मांगती हूँ। अगर इजाजत दीजिए अंदलीप साहब, आपने बात सुनी, आपका आपकी डिमांड है इमरान खान साहब की कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाए अब और कोई एक और सेटअप, एक और वजीर आजम इस गेम में ना पड़ा जाए वापस। तो आज तो सदर जरदारी ने भी कहा है कि वापस अवाम के पास जाएंगे राय के लिए, मगर शायद उनका इशारा रेफरेंडम की तरफ था, आपको ये कबूल है? बिल्कुल कबूल नहीं है जी। सबसे पहली बात यह है कि इनकी अपनी रिट जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अब आप देखें कि अवाम का गुस्सा इतना ज्यादा है, पहले वो टायर जलाया करते थे, अब वो लोगों के घरों में, एमपीएस के घरों में, एमएनएस के घरों जलाने को तैयार है। पहले वो गाड़ियों पे थे, अब वो पूरी रेलगाड़ी उन्होंने जलाई है। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि किसी भी बात पे कोई इंसाफ की बात ही आनी होती। आप ये देखें कि जरदारी साहब ने जब क्राइटेरिया क्या रखा है वजीर आजम का, क्राइटेरिया ये रखा है कि जी यस बॉस कौन करेगा? अगर फहमीदा मिर्जा है तो वो यस बॉस करेंगी गिलानी साहब को, और गिलानी साहब यस बॉस करेंगे जरदारी साहब को। और अगर गिलानी साहब चले जाते हैं, एलिजियंस आपकी कंट्री के साथ है या आपकी उस बंदे के साथ है? और फिर एक सेकंड, फिर अगर माजरत के साथ दिलीप साहब, फिर आपको गिला शिकवा, दिलीप साहब आपको गिला शिकवा, शाहबुद्दीन दिलीप साहब क्राइटेरिया साहब आपको गिला शिकवा क्राइटेरिया से है, आपको नया वजीर आजम लाने से गिला शिकवा नहीं है, क्राइटेरिया से है वजीर आजम का, नए वजीर आजम से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वजीर आजम नया आएगा तो केयर टेकर बनेगा तो इलेक्शंस होंगे ना बीबी। आप पीछे देखें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर आपने इसलिए लाना है कि उसको फिर वो कहेगा मैंने खत नहीं लिखना और फिर 1.5 महीने बाद दोबारा ये होगा, तो इंतखाबात होने चाहिए। कोई मजाक है ये? अवाम के जज्बात से खेलने का, इनजस्टिस का, इनइक्विटी का मजाक है ये सारा? से क्या होगा मेहर, किसी जा रही है बुलबुला रही है, वही लोग आएंगे और आप सारे बैठे हुए हैं और मजाक कर रहे हैं कि ये जस्टिस की उम्मीद है जी मेहर, वो सुनामी ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गिव और टेक 2-3 आप ही ने आना है। प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, एक वक्त आएगा इसको भी आप चला लेना, 5-10 प्लस माइनस यही होगा। हाजी साहब आपको भी लगता है 5-10 माइनस आप एक इलेक्शन बनाएंगे एनपी में भी? जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, जो इलेक्शन होता है, पिछला ऑर्डर आया था मुल्तान में जीते इलेक्शन, वो कभी नहीं जीते, बाय इलेक्शन कल सिंध देखें, बड़ी बाय इलेक्शन बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि लोग ज्यादा वोट नहीं देने आते हैं, जनरल इलेक्शन सवाल ये है, बाय इलेक्शन मतलब उसका यानी लोगों की सोच का तो पता चलता है, कल जो इलेक्शन सिंध में हुआ है। तो हाजी साहब आपको क्यों लगता है कि इनकी इनकी
हमायत में कोई सड़कों पे क्यों नहीं निकला? क्या लोड शेडिंग से बेरोजगारी से सड़कों पे निकालना क्या आपको लग रहा है? फरवरी में फिर आप सबको वोट देंगे? आप तो शायद, मैं तो, मुझे 50 साल हो गए इस अपनी पार्टी में, मैं पॉलिटिक्स में 62 में ज्वाइन किया है। आप, मैं एक घंटे में आपकी तमाम हड़तालें करा सकता हूँ, सड़कों पे लोगों के लिए आ सकता हूँ, लेकिन क्या ये अच्छी बात होगी? अब कंट्रोल में है, मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ ने सड़कों पे लोगों को लाया, आप बड़े बड़े इशारे दे रहे हैं कि ये ना टेररिज्म का इंजाम भी आप ही लग रहे तारिक। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आप तो, पहली बात ये है कि आप कहते हैं कि ये फैसला क्यों कबूल है, ये तो हाल वक्त का जबर है। भट्टू साहब को फांसी हो गई, वक्त का जबर था, नैब को फांसी दी, नेशनल अवामी पार्टी को जुडिशियल मर्डर हुआ है, वक्त का जबर है। पीसीओ के तहत जज इन्हीं आज भी इस बेंचों में बैठे हुए हैं जी साहब, जो और उन्होंने एक मार्शल लॉ वालों को बार बार कहा कि आप जायज काम किया है और आपको आईन में हम तरमीम की इजाजत है, वक्त का जबर है। अच्छा, वक्त का जबर है, लेकिन ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। इंटरेस्टिंग वैलिड पॉइंट, अगर आप इजाजत दें एक वक्फा ले लेती हूँ। हाजी साहब कहते हैं वक्त का जबर है, मगर जो आम आदमी का आज हाल है, क्या वो जमहूरियत का जबर नहीं है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ये वक्त का जबर है कि इस फैसले को कबूल किया गया बकौल हाजी अदील साहब। हमारा सवाल ये है, ये वक्त का जबर है या हुकूमत की ना अहलियों का जबर है जो आम आदमियों के साथ हो रहा है, उसका क्या कीजिए? देखिए, मेरी चूंकि बात पूरी हुई नहीं, आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्सअप करती हैं। दुनिया का कोई मामला हो जाए, आप हुकूमत की ना अहलियों पर आती हैं। हुकूमत की अहलियत और ना अहलियत का फैसला तो आवाम करेंगी, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना फौज कर सकती है, ना कोई और करता है। हमारे मुल्क में हुकूमत नाअहल है, फौज आ जाती है, हट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कह देती है हटा दो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो कि बीबी की हो। देखिए मेरी बात सुने, किसको करना चाहिए? अहलियत आवाम करती है और वो इलेक्शन में करेगी। अब कल जो इलेक्शन हो उससे भी पता चला है, और पिछली मरतबा जब एक फैसला हुआ था तो मुल्तान में इलेक्शन हुआ था। आप मिक्स क्यों करती हैं दो चीजों को? अगर आपने इस फैसले के मुजमरात पर बात करनी है तो फिर आप हुकूमत की नाइलियत पे बात के लिए अलग करें। वजीर आजम ने, गिलानी साहब ने एक चीज के मुतालिक कहा कि उनकी राय है आईनी तौर पे वो ये खत लिखने के, आप किसकी मिसाल फ्रांस में देख लीजिए कि फ्रांस के सदर अब हटे, उन पर वो इंक्वायरी शुरू हो गई, मुकदमा बन गया। जब तक वो सदर थे उनको तहफ़ हासिल था, हिंदुस्तान के सदर को तहफ़ हासिल है, उनकी राय है, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये राय नहीं मानी गई तो उन्होंने। अगर आप सुन लीजिए, हमारे मुल्क की भी फिर एक तारीख देख लीजिए, इधर कुर्सी कब किसने छोड़ी है, फिर आपका अरब स्प्रिंग भी है। क्या बात है, कुर्सी हमने छोड़ी है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, कुर्सी की बात करती है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब तोड़ी गई थी 26 अप्रैल तो हमारे इत्तेहादी थे। क्या चीज है जी? नहीं, मैं नहीं, बात सुने, मियां नवाज शरीफ की जब इसहाक खान ने हुकूमत तोड़ी थी, हमारा इत्तेहाद था, हमने 6 मिनिस्टरों ने आधे घंटे में इस्तीफा दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वजीर अबूरी हुकूमत में शामिल हो गए। हमने तो कई मरता, मुफ्ती साहब ने इस्तीफा दिया जबकि भट्टू साहब ने बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ी। हाजी साहब, तो और हमने भी कहती है कि इस हुकूमत की नियत देख के वादे जब नहीं पूरे हुए, मुकम्मल हुए जदाई साहब के, तो ये लोग सवाल ये है कि ये तो हुकूमत फैसला करेगी, आप तो नहीं फैसला करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप आया, मैं बताता हूँ, फैसला करेगी हुकूमत के। सियासी फैसले 90% पूरे हुए, NFC दिया। अच्छा, एक अब हम दूसरों को मौका दे देना, एक सेकंड ये कहते हैं 18th अमेंडमेंट से किसी बंदे को रोटी मिल गई। सुनो, अवाम की देखे ना, जो अवाम की जमहूरियत का काम है, अवाम को उनके मसाइल का हल, अवाम को उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म करें, ना कि उनकी मुसीबतों में एडिशन करें। अगर जब आप कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये इंतकाम अवाम से नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कहा था जमहूरियत जो है बेस्ट फॉर्म है, अभी अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है, अब इंतकाम आप अवाम से ले रहे हैं। आप भी अवाम से, मैं पूछ रही हूँ साहब, अभी सवाल देखे, आपने बात की गवर्नमेंट को अख्तियार दिए हैं, 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दिए। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आवाम के मसले हल नहीं कर सकती है, दो चीजें, एक तो यह है कि जो आवाम का इन्होंने किया, एक तो इनको ये थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है कि जमहूरियत का मतलब है कि वन वोट वंस, के एक दफा आपने वोट ले लिया, फिर 5-7 जो मर्जी आप करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। हुकूमत ने यह समझ लिया हर वक्त जी 5
साल भाई, पांच साल का मतलब है पंजाब में इलेक्शन का ऐलान कर मेरे भाई, बात सुनिए एक बात, एक बात, एक सेकंड तारिक साहब, फिर लोगों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है, बिल्कुल ठीक है कि आपको पांच साल के लिए, सर जी सुन लें प्लीज सुन लें, पांच साल के लिए बिल्कुल पार्लियामेंट का टेन्योर है, बिल्कुल आपको इलेक्ट किया पांच साल के लिए, कोई नहीं कह रहा। एक तो चीज है कि हुकूमत में और पार्लियामेंट में फर्क समझे, प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, हुकूमतें आती जाती रहती है, पार्लियामेंट पांच साल चलती है। अभी अपनी तो बात को कंट्रेक्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं पार्लियामेंट खत्म करो, ये कहते हैं नया इलेक्शन करो, होल्ड होल्ड करो भाई, देखो प्लीज प्लीज खत्म कर ले दीजिए। एक तो पांच साल की बात, लेकिन ये कहना कि पांच साल जो मर्जी आप कब गुजरे, अवाम का बिल्कुल आप ख्याल ना करें, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रोटी कपड़ा मकान जो भी हो, बिजली गायब, गैस गायब, सब कुछ हो जाए, आपके नहीं पांच साल सफर, इट फॉर फाइव ईयर, पांच साल आप सफर करें, पांच साल सफर करें, आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपका एक वैलिड सवाल है, पाकिस्तान की आपकी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कहता हूं अगर अगर वहां पे पंजाब देखे सर जी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, अगर पंजाब की हुकूमत ने काम नहीं किया तो दे डोंट डिजर्व टू बी री इलेक्टेड, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आप एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बंदा कोई समझ ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए, आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं कराती, बाबा आपकी हुकूमत ने करवा ली है, आपकी हुकूमत ने करवा ली है, अक्टूबर में फैसला बात करते हैं, हमने फैसला कर लिया, हम तो ये कह रहे हैं कि ये स्टाफ गैप, दो चीजें, ये स्टाफ गैप अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, कुछ फायदा नहीं होगा आपको, नंबर वन। नंबर टू, जो मेन इशू है, मेन इशू है केस का, जो स्विट्जरलैंड का केस है, दैट इज द मेन इशू, उस पे आप नहीं जा रहे। एक अंदरीप साहब का एक सवाल है, एक सवाल है, एक केस है दीदी, एक सवाल है अंदरीप साहब का, एक सवाल है, एक्चुअल पोजीशन गलत ले रहे हैं ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। अंदरीप साहब कह रही हैं क्योंकि आज सारे इत्तेहादियों ने भी ट्रस्ट जरदारी साहब पे डाल दिया कि तुम ही डिसाइड करो, जो भी फैसला करोगे हमें कबूल है, वो कह रही है जमहूरियत वन मैन शो का नाम है कि जरदारी साहब अब इस बुहरान में जब कोई हुकूमत काबीना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज आसिफ अली जरदारी। देखिए बुहरान की वजह भी खुद है, एक मिनट, बुहरान की वजह भी खुद है, जमहूरियत उनका सवाल सुन लें, आप ही जवाब दें, अपने रिश्तेदारों को वहां रखें, ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर आप मेरे मिजाज के मुताबिक सारा काम करेंगे, आप करप्ट होंगे, आप अदालत को डिफाई करेंगे, आप हर मैंने सवाल सुन लिया, बगावत करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ये जमहूरियत बाहर बैठा हुआ है ना, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, बैठे हैं ना जी, बात तो सुन ले, कौन सी चीज को डिफाई किया हमने, तो अदालत के अहकाम माने और मानते रहेंगे जी जी, उनकी बात सुन ले, सुन ले बात, उन्होंने ये बात कही, देखिए तरीके साहब की बात सुन ले, बड़ा दिल रखिए, बात सुन ले, बिल्कुल देखिए सुनामी खान की पार्टी बिल्कुल एक उभरती हुई पार्टी है, हमारी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए, मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि वन मैन शो नहीं है यहाँ पे, जमहूरियत में बातचीत होती है, मशवरा होता है, तमाम इत्तेहादी जमातों से मशवरा हुआ, अपनी पार्टी से मशवरा हुआ, पार्टी ने अपना एक स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि हम ये राय रखते हैं कि आप फैसला कर लें। अब अगर जमहूरियत में कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी की जो मजलिस आमला है अगर आपको एम्पावर कर देती है तो ये भी एक जमहूरी तरीकाकार है, तमाम इत्तेहादी पार्टियों को बुलाया गया, और हमें ये भी पता है की सबसे बड़ी क्वालिटी जरदारी साहब की ये है कि उन्होंने सबकी कीमत लगा दी है, और सबकी कीमत लगा के वो कह रही है कि जमहूरी अपनी जरदारी साहब की है, नीलाम कर बना दी है, कीमत अदा कर दी है, आपकी कीमत क्या लगी है, जो है वो नीलाम कर दी आपने, जब ये इस तरह की जमहूरियत होगी जहाँ खरीदने पे तैयार है लोगों को, तो फिर ये क्या निजाम है, इस निजाम में कोई इज्जत नहीं है, कोई लॉ नहीं है, किसने हुकूमत की रेस फेल हो चुकी है, किसी ने एक तरफ अस्पताल बनाया दूसरी तरफ चेस बनाए, अच्छा किसकी क्या कीमत है, उसमें ये अभी अखज़ करना बाकी है, मगर दो अहम सवाल हैं, एक बेटी बहू दामाद सारे उसी बैठे हैं उसके बोर्ड में, एक मिनट बस, एक अहम सवाल है वक्फे पे जाने से पहले के, जो नए नाम आ रहे हैं अगले वजीर आजम के, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात क्यों हैं, क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके लिए भी कोई घूमता फिर रहा है उनको अरेस्ट करने के लिए, तारिक साहब कुछ बताना चाहेंगे, और दूसरा इमरान खान साहब कहते हैं अभी तो गिलानी साहब अंदर गए, अब मेमो केस में जरदारी साहब को साबित करें, उनको भी बाहर करें, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो मुल्तान का रास्ता दिखा दिया गया, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेमो केस में भी आसिफ अली जरदारी को साबित किया जाए और उनको भी चलता करें ईवान सदर से। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, सिंपल सा सवाल है कि कल भी आसमा जहांगीर साहिबा कह रही थी, दीगर कुछ माहरीन का भी ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून और आप एक तो सियासी इशू लेकर गए कोर्ट में, दूसरी बात ये जो आप कर रहे हैं दिस इन अदर वर्ड्स इज अ सॉफ्ट कू अगेंस्ट अ सिविलियन गवर्नमेंट, और अब आप जरदारी साहब को भी बाहर करना चाह रहे हैं। देखिए बात है बड़ी क्लियर, लॉ जो है वो डिसाइड करता है, और आपको पता है कि हमने शुरू से ये कहा था कि हम पहले लॉ के जरिए जाएंगे, अगर ये अपील करेंगे हम अपील का भी वेट करेंगे, उसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे। तो हमने लीगल एक स्टांस अपनाया और हम विंडिकेट, हम बिल्कुल जस्टिफाई हुए। दूसरी बात, जहां तक ये सारी मेमो गेट का ताल्लुक है, मेहर इट वॉज वेरी प्रोफेटिक कि जिस दिन मेमो गेट का आया फैसला उस दिन ये जिसको कहते हैं मलिक रियाज का स्कैंडल शुरू हो गया। अभी के मेमो गेट इतना अहम था, गद्दारी या उसके अंदर $2 मिलियन पे किए गए हैं, ओबामा की इतनी पे नहीं है जितनी यहां इसको पे की गई है हकानी को, एंड वो खुद से तो नहीं एकदम उसको ख्याल आया कि मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल खुद फॉर्म करूं और मुल्क को बेच दूं, ऑब्वियसली उसको बैकिंग थी। तो आपको लगता है कि मुल्क की बेहतरी में यही है कि इस मुल्क के नंबर टू एक मुंतखब वजीर आजम तो घर चला गया, ये जो सारी इस मुल्क का जो सदर है उस पे गद्दारी का इल्जाम लग जाए अंदलीब साहब, अब इतनी मिनिस्ट्रियां हो चुकी हैं, इतनी मिनिस्ट्रियां हो चुकी हैं, अब अहमद मुख्तार को पहले डिफेंस दी गई, उसके बाद उन्होंने वो मैसअप की, वाटर एंड पानी देगी, अब उसके इनाम में उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नॉमिनेट किया जा रहा है, और आप देखें राजा बशारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन दे दी है पानी के बाद। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री क्या होती है, अब सूरज ग्रहण की मिनिस्ट्री आएगी, चांद ग्रहण की मिनिस्ट्री आएगी, एक लूट मची हुई है, व्हाट यू गेटिंग टुवर्ड लाइक अंडरस्टैंड फ्लैक ऑफ गवर्नेंस इज करप्शन, आई अंडरस्टैंड तारिक साहब, अब इनका इशारा प्राइम मिनिस्टरियल जस्टिफाई नहीं है, एक सेकंड, जब मुल्क को हम लूट कैंडिडेट्स की तरफ भी है कुछ इल्जाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली आवाम को देख के हमें आवाम की दर्द महसूस होती है। एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं अभी जो नाम सामने आ रहे हैं ये कितनी सितम जरीफी है कि इन पे भी अब करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ये कोई साजिश की जा रही है या क्यों इन नामों के ऊपर भी इस तरह मैं की? मुझे महर मुझे ये और आपको मुझे, कबूल होंगे ये नाम जो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं? मैं आई हैव गॉट द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर मखदूम साहिब एज अ पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस मैन, मखदूम शहाबुद्दीन साहिब, लेकिन अफसोस की बात है अगर आप देख लें सारे अखबार देख लें आप, आज उमर चीमा की स्टोरी है, टॉप स्टोरी है उसकी में, बारी इंटरनेशनल अखबारों में आप देख लें, ये तो खुद उन्होंने माना जाके कोर्ट में जाके कहा जी कि मैंने इशू किए लाइसेंस, लेकिन उस वक्त मैंने केमिकल अली को मैंने जो लाइसेंस दे दिए एफेड्रिन केस में, अली मूसा को जो लाइसेंस अप्रूव कराया था हेल्थ मिनिस्टर, तो वो जब मैंने किए थे मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस क्या है इसकी, लेकिन मैं मानता हूं कि सवाल ये क्योंकि अगर ये वजीर आजम बन गए इनके साथ मिलकर आप लोगों ने केयरटेकर सेटअप बनाना है जिसके थ्रू इलेक्शन होंगे, आपको कबूल है? देखिए जी हमारे तो कोई कबूल ऐसा नहीं, मुझे अफसोस हमेशा ये रहता है कि पीपल पार्टी के अंदर इनके इत्यादियों के अंदर बड़े बड़े अच्छे बंदे मौजूद हैं, उनको क्यों इग्नोर किया जाता है? पीपल पार्टी के अंदर बड़े अच्छे बंदे आपको बना दें वजीर आजम मेहर, लेकिन आप जानबूझ के मैं एक सेकंड लास्ट सेंटेंस शायद इसलिए कि अगर आपको रिश्वतदानी में और आप फंसे हुए हैं करप्शन में मनी लॉन्ड्रिंग में, आप चाहेंगे ऐसे बंदे आपके साथ हों जो आप पे उंगली ना उठा सके। बात यह है, ये वजह मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि डरे उस वक्त से जब इस मुल्क में कोई सियासतदान बनना ना चाहे, क्योंकि एक वाहिद सियासतदान है जिसको आप रात को भी फ़ोन करें वो उठ के आपके साथ चला जाता है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ब्यूरोक्रेट है, वो तनख्वाह मिलती है, अपने उजरत लेता है तो काम करता है, एक वाहिद सियासतदान है जो अपने वोटर के कहने पे वो कुछ भी है वो उठ के फिरता है, भागता है, दौड़ता है। तो डरें उस वक्त से जब इस मुल्क में कोई सियासतदान बनने को तैयार ना हो, जो इन शख्स सामने आता है उसको मलाइन कर दिया जाता है, उसको इतना ख़राब कर दिया जाता है कि यही इंसान है और यही बहुत खराब है। आज अगर मखदूम शहाब का नाम आ रहा है या जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम आ रहा है, उनमें तमाम वो चीजें निकाल के ला रहे हैं जो खराब हैं, ये भी खराब। देखें मेहर, हमें उनका कहना है कोई ऐसा नाम लिया है जिसके ऊपर कुछ ढूंढ, आपके ऊपर क्यों नहीं इल्जाम लगाता, आपके ऊपर क्यों नहीं करप्शन, हाजी साहब पे क्यों नहीं करप्शन का इल्जाम लगता? मैं हाजी साहब क्या हुआ मियां साहब, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है, उनको तो कोई इल्जाम नहीं है ना हाजी साहब, या शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दे तो कोई इल्जाम नहीं है, आपको कबूल है? इमरान खान को कबूल है? मैं बात कर रहा हूँ इल्जाम तो इन पे भी है, और दूसरी बात है मेमो गेट की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि कमीशन कभी भी फैसला नहीं कर सकता है। ये कैसा कमीशन है कि वो फैसले कर रहा है कि ये गद्दार है? गद्दारी का फैसला तो मुदरमान कमीशन ने भी नहीं किया
कि कौन गद्दार है। गद्दारी का लफ्ज इन्होंने कहा मुझे अफसोस होता है, लॉयल, और ये तो उसने खुद अपनी किताब में कह दिया, उसकी किताब पढ़ने उसने किताब पढ़े हमेशा जो ओनली इन्वेस्टिगेशन बॉडी सर उसने किताब में मुल्क में अजीब काम हो रही है। चाहिए ये कि इन्वेस्टिगेशन बॉडी है अपनी रिपोर्ट जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करे, आप अपना फैसला ही दे सकते हैं। मुझे मेरे भाई ने कहा मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कर रही है, इनको अफसोस तब नहीं हुआ था जब जुडिशरी के चौधरी इफ्तिखार साहब को बालों से पकड़ के डंडे बरसा रहा था, इनको अफसोस तब नहीं हुआ जब परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे जबर किया, आज इनको अफसोस होता है क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, आज इनको अफसोस होता है कि पाकिस्तान में आज आइन की बालादस्ती है, आज इसलिए होता है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाता है, और इसलिए घर भेज दिया जाता है कि वो आइन का तहफ्फुज़ करता है, वो डाका नहीं मारता, चोरी नहीं करता, वो कत्ल नहीं करता, आर्टिकल 248 था उसने आर्टिकल 248 आपने कहा गया, डू यू वांट टू डिस्कस आर्टिकल 248, आपने कहा नहीं करना हमने, अब आप उसके पीछे अदालत ने 100 मोटो लिया कि 2 शराब की बोतलें वो एक्ट्रेस से मिली हैं, तो 248 पर भी खुद फैसला कर देते ना 248। ये तो तगो दो लगी रही ना कि आप इस्तिस्ना मांगे नहीं, इस्तिस्ना हम क्यों मांगे, इस फैसले से कतई नजर, सवाल ये है कि हर मामला 100 मोटो लेते हैं और भी फैसला कर देते हैं। देखिए हाजी साहब, एक मेहर, एक 248 के ऊपर डिस्कशन नहीं है बीबी, एक मिनट, हाजी साहब से खबर लेनी है। आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अभी एएनपी के, मियां साहब जो हैं वो एमक्यूएम से भी राबते कर चुके हैं, वो 2 साल पहले भी एमक्यूएम से इन हाउस चेंज की राबते कर रहे थे, उसके बाद अब वो मिल चुके हैं जेयूआईएफ से भी, आपसे अभी तक कोई राबता किया मुस्लिम लीग नून ने? मेरा ख्याल में हम चूंकि पीपल पार्टी के इत्तेहाद हैं तो दोनों होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए, किस बात का रब्ता करेंगे? एमक्यूएम जेयूआईएफ एमक्यूएम ने गलत किए मिलके? मेरा ख्याल में अगर मेरे घर में कोई आ जाए तो मैं उसे ये तो नहीं कहूँगी कमाता। अच्छा, और दूसरी बात किस तरह की फिर सियासत है कि अब मिलना भी है अंदर बैठ के उनके साथ, नंबर्स भी अभी आपके पास काफी है, आप मिलना भी चाह रहे हैं, आप इलेक्शंस का भी ऐलान कर रहे हैं। सवाल ये है कि एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो दुश्मनबाजी हुई थी, एमक्यूएम की बात नहीं मैं कर रही हूँ, आज इधर है नहीं, मैं मुस्लिम लीग की बात कर रही हूँ, इनकी सियासत की बात जा रही है, मैं इनकी सियासत की बात कर रही हूँ, ये अपना कैंडिडेट भी खड़ा करा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इस सारे जमहूरी सिस्टम को तस्लीम करते हैं, अगर हार जाएंगे तो ये नहीं तस्लीम करेंगे, और इसी के अंदर मुझे लगता है कि सबकी पता है कि जमहूरी सिस्टम को हर कोई तस्लीम करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी मनो और तस्लीम किया जाए, ये हार जाए, माना जाए, और इनका कैंडिडेट हारेगा तो ये कहेंगे जो भी वजीर आजम होगा गो वजीर आजम, गो वजीर आजम, जब ये हार जाएंगे तो ये कहेंगे गो वजीर आजम, नहीं जरदारी कर रहे हैं, अगर कोई बंदा आया और उसने आके इसी तरह की रिश्वत ली, करप्शन की, नाअहली की, कारकर्दगी खराब हुई तो जरूर कहेंगे ये काम है अपोजिशन का, जो अगर आप समझा करें, आप किसी शख्स को कैंडिडेट के तौर पे मानते हैं कि ये मेरा मुखालिफ कैंडिडेट है, उसको तस्लीम करते हैं, तो जीतने के बाद उसे इनकार ना करें। नहीं जी, जीतने के बाद इनकारी की बात नहीं हो रही, अगर वो कहे कि मैं हाजी साहब, अगर जीतने के बाद वो कहे कि चूंकि मैं जीत गया वो जो मर्जी मैं करता चलूं और तुम मेरे पे उंगली ना उठाए, ये फिर आप गलत बात, ऐसा जुर्म करे तो आप बिल्कुल, हम तभी हम बात कर रहे हैं, तभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि आजाद रही है, एक सेकंड ना मानू, एक सेकंड मैं ना मानू की सियासत है, या मैं मान के भी ना मानू की सियासत है जो अभी पीपल्स पार्टी की लग रही है, जो कह रहे हैं कि हमें ये फैसला तो तस्लीम है मगर अगर आइन के मुताबिक को, सदर साहब कहते हैं तहफुजात जरूर हैं इस पे मगर सिस्टम के लिए इसे कबूल कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दीजिए, अगर आप इजाजत दीजिए, शायद इस मुल्क में किसी को भी हक नहीं है डिस्क्लेमर्स लगाने का, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मनोअन तस्लीम किया जाए और उसके ऊपर फिर मजीद आगे बात ना की जाए, अगर आप तस्लीम कर भी रहे हैं, साथ साथ ये भी कहना ना गलत होगा कि वक्त का अगर ये जबर है ये फैसला, तो फिर हुकूमत की ना अहलियां भी किस तरह का जबर है ये भी फैसला करना है, जनरल इलेक्शन अभी फरवरी के अंदर है, अगले सेटअप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभी फांसी भी दी गई थी ना आज के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादा